अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वहीं बाबा साहेब के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बसपा ने मिशन 2022 का रण जीतने का संकल्प लिया है। यूपी में सुशासन की स्थापना के लिए एक बार फिर से सरकार बनाने का संकल्प लिया है। अंबेडकर का आज 66वां परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में ये बीएसपी कार्यालय में परिनिर्वाण दिवस की जो है मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। यहां पे बसपा सुप्रीमो मायावती पहले आके पुष्पांजलि इनको पुष्प अर्पित करेंगी और उसके बाद फिर वो मीडिया से भी बात करेंगी। तमाम चीजें जो है वो आज होनी है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि वो सभी लोग अपने विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर आज इस परिनिर्वाण दिवस सन 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनेगी। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। चाहे गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफिया गर्दी चरम सीमा पर थी। भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बीएसपी की तरफ से सभी जिला विधानसभा और बूथ इकाइयों को निर्देश दिया गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बूथ स्तर तक मनाया जाए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर पहुंची हैं बसपा कार्यालय पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो आ चुकी है और आकर वो यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है और या ये कहा जाए कि जो फोटो लगाई गई है उस पर जो है वो पुष्पार्चन करेंगी, पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने भीमराव अंबेडकर के जो है वो को लेकर अभी परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम बातें भी उन्होंने कही थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम दलित वंचित वर्ग के लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया, शायद वो ना होते तो न्याय ना मिलता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मायावती जो है वो पुष्पार्चन कर रही हैं उनके भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर, फूल जो है वो चढ़ाने का काम कर रही हैं और आज उन्होंने तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से इस बात की अपील की है कि बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक सभी लोग परिनिर्वाण दिवस को जो है वो मनाएं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बातें बताई हैं उस पर अमल करें। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मायावती आवास पे हैं, पार्टी के जो मुख्यालय है उस पे जो है वो मौजूद हैं और सतीश चंद मिश्रा उनके साथ मौजूद हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पार्चन जो है वो कर रहे हैं। लखनऊ में जो अंबेडकर स्मारक है वहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।